एक बार एक राजा था जिसके राज्य में कोई भी परेशानी या समस्या नहीं थी। सभी लोग उस राजा से बहुत खुश थे और ऊपर वाले से धन्यवाद करते थे कि इतने अच्छे राजा को उनकी जिंदगी में भेजा। वह राजा दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी और एक पैर नहीं था, लेकिन फिर भी राजा को इस बात का कोई मलाल नहीं था। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूमते हुए अपने पूर्वजों की लगी तस्वीर को देख रहे थे और सोच रहे थे कि मेरे पिताजी इतने शूरवीर थे, उनके पिताजी इतने शूरवीर थे, हमें इतने शूरवीर खानदान में जन्म लेने का मौका मिला, यह ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद है। राजा ने सभी चित्रों को देखते हुए आखिरी चित्र तक पहुँचे और उस जगह खाली जगह को देखा तो चिंता में पड़ गए, क्योंकि उसे मालूम था कि यहाँ जो तस्वीर लगेगी वह उसी की लगेगी। लेकिन राजा को इस बात की चिंता नहीं थी कि वह मर जाएगा, चिंता इस बात की थी कि वहाँ जो पेंटिंग लगेगी वो कैसी लगेगी। राजा के एक आँख और पैर नहीं होने की वजह से वह चिंता में पड़ गया और सोचने लगा कि इस गलियारे में इतनी शानदार पेंटिंग लगी है, लेकिन मेरी एक आँख और एक पैर ना होने की वजह से मेरी पेंटिंग सबसे खराब लगेगी, सबसे भद्दी लगेगी। राजा ने सोचा कि मेरे मरने के बाद पता नहीं कैसी पेंटिंग बनेगी, क्यों ना मैं अपने जीते जी एक ऐसी शानदार पेंटिंग बनवाऊं ताकि मुझे यह देखकर सुकून मिल जाए कि मेरी यहाँ पेंटिंग अच्छी लग रही है। अब उस राज्य में ऐलान करवा दिया गया कि सभी पेंटर्स को बुलाया जाए और कहा जाए कि जो भी राजा की शानदार पेंटिंग बनाएगा उसे मुँह मांगा इनाम मिलेगा। आसपास के सभी राज्यों के पेंटर को उस राज्य में बुलाया गया और राजा ने कहा कि अगर उसकी जो भी शानदार पेंटिंग बनाएगा उसको वह मुँह मांगा इनाम देगा। लेकिन अब उनकी पेंटिंग कैसे बनाए, क्योंकि राजा के एक आँख नहीं है और एक पैर नहीं है, उनकी शानदार पेंटिंग अब कैसे बनेगी। सभी पेंटर सोच रहे थे कि इनाम तो पता नहीं, लेकिन अगर पेंटिंग खराब बन गई तो राजा को गुस्सा जाएगा, सजा ज़रूर मिलेगी। तभी उनमें से एक लड़का आया और राजा साहब को कहने लगा कि राजा साहब मैं बनाऊँगा आपकी पेंटिंग, बस मुझे 24 घंटे का वक्त दे दीजिए। सभी पेंटर जो बाहर से आए थे सब हैरान हो गए, सोचने लगी कि यह सब कैसे बनाएगा पेंटिंग। राजा बोला ठीक है आप बनाकर आइए। अगले दिन वह लड़का तस्वीर बनाकर लाने वाला था। पूरा दरबार भर चुका था, लोग दूर दूर से यह देखने आए थे कि लड़का कैसे पेंटिंग बनाकर लाएगा। अब लड़का जब राजा साहब की पेंटिंग बनाकर लाया तो लोग आश्चर्यचकित रह गए। सब लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे और सीटी बजाने लगे। जब राजा ने उस पेंटिंग को देखा तो वह खुश हो गया और बोला कि वाह, इससे अच्छी पेंटिंग तो इस पूरे गलियारे में नहीं है। राजा ने उस लड़के को बहुत सारा इनाम दिया। अब आपको ये सोचकर बताना है कि जिस राजा के एक आँख नहीं है, एक पैर नहीं है, उनकी पेंटिंग कैसे बनेगी, उस लड़के ने उनकी पेंटिंग कैसे बनाई होगी। कमेंट में इसका जवाब जरूर दें। उस तस्वीर में लड़के ने उस राजा को एक घोड़े पर सवार किया, एक साइड से उस राजा का एक पैर दिख रहा था, राजा तीरंदाजी करते हुए निशाना लगा रहा था और निशाना लगाते हुए एक आंख बंद हो जाती है। उस लड़के ने उस राजा की वही आंख बंद कर दी जो राजा के पास नहीं थी। इस तरह से उस लड़के ने राजा को निशाना लगाते हुए घोड़े के ऊपर सवार दिखाया, जिससे एक आंख बंद और एक पैर दिखाया गया। इतना शानदार पेंटिंग बनाया कि वह अब तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ पेंटिंग थी। उस लड़के के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन उसने पॉजिटिविटी के साथ अपना काम किया। जिंदगी में आप भी जिस भी मुकाम पर हो, जिस भी संकट में फंस जाए, उसी स्थिति में अगर पॉजिटिविटी का साथ नहीं छोड़ोगे तो यकीन मानिए आप उस संकट से बाहर निकल आएंगे। जिंदगी में उम्मीद का साथ कभी मत छोड़ना, क्योंकि जिसने उम्मीद का साथ छोड़ दिया उसने जिंदगी का साथ छोड़ दिया। हर पल सकारात्मक रहिए, खुश रहिए और ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनों के प्यार के साथ, अपनी अच्छी और सच्ची मेहनत के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अगर आपको भी ये मोटिवेशनल वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें। इस प्रकार की और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नई वीडियो बहुत जल्द आने वाली है।